In this special presentation, Tracking COVID-19, we will take stock of developments in India and rest of the world. और इस गीत के बाद हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है। कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी जंग जारी है और हमारी कोशिश है कि कोरोना से जुड़ी हर जानकारी, हर अपडेट आप तक पहुंचाएं। कोरोना से जुड़ी आपके डर को, हर भ्रांति को हम दूर करें। प्रधानमंत्री की अपील का आप कड़ाई से पालन कर रहे हैं और ये आप जारी रखेंगे, ये हमारा विश्वास है। केंद्र सरकार का एक बड़ा कदम यहां पर सामने आया है, जहां एक रणनीतिक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो कि लॉकडाउन के दौरान हर तरह की समस्याओं से विशेष रूप से निपटेगी। पलायन पर भी सरकार सख्त नजर आ रही है। यहां पर राज्यों और जिलों की सीमाएं सील कर दी गई हैं और अब अगर लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ तो अब जिम्मेदारी तय की जाएगी। लेकिन सामान की और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति, आवाजाही बिल्कुल नहीं रुकेगी। जी हाँ, और एक अहम अपील यहां पर तमाम उन कामगारों से जो अपने घर जाना चाह रहे हैं। आप जहां हैं वो आपकी कर्म भूमि है और वो आपको निराश नहीं करेगी। आप जहां हैं वहीं रुकिए। मजदूरी बंद हो गई है, काम बंद हो गया है, लेकिन फिर भी आपको हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। सरकार के सख्त निर्देश है कि मकान मालिक आपसे किराया नहीं लेगा और ना ही आपको घर से वो निकाल सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप शिकायत करें, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन आपके खाने की और आपके रहने की व्यवस्था कर चुका है। संयम रखें, विश्वास रखें और इस मुश्किल समय में देश का हर नागरिक आपके साथ है। थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोएं, यहां पर सैनिटाइजर से आप अपना हाथ साफ करें। पूरा दूरदर्शन परिवार आपके साथ है। तमाम एसेंशियल सर्विसेज की तरह हम लगातार दूरदर्शन भवन आ रहे हैं ताकि घर बैठे आपको सही सटीक जानकारी मिले। हम अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, कोविड कोरोना पर नजर में मैं हूं, आपका स्वागत करती हूं जया सिन्हा। सबसे पहले इस वक्त कोरोना अपडेट यानी कि फास्ट न्यूज। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार का एक और बड़ा कदम। उच्च अधिकारियों के 10 विशेषाधिकार प्राप्त समूह और एक रणनीतिक टास्क फोर्स का गठन। लॉकडाउन के दौरान हर तरह की समस्याओं से विशेष रूप से निपटने की दी गई जिम्मेदारी। गृह मंत्रालय की दिल्ली सरकार के 4 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। लॉकडाउन के खिलाफ ढिलाई बरतने में अतिरिक्त संयुक्त सचिव परिवहन और प्रमुख सचिव वित्त निलंबित। 2 अन्य को कारण बताओ नोटिस।
केंद्र सरकार का राज्य सरकारों को निर्देश, अंतर्राज्यीय बॉर्डर और जिलों के बीच के बॉर्डर को सख्ती से सील करने का आदेश। निराश्रितों और कमजोर तबके के लोगों के आश्रय और भोजन की हो सुनिश्चित व्यवस्था। बड़ी संख्या में लोगों के पलायन की खबरों के बीच गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा, कामगारों को दिलवाएं पूरी मजदूरी। मजदूरी नहीं देने वालों और किराए के लिए परेशान करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त हो कार्रवाई। कोविड-19 के खिलाफ जंग में पीएम मोदी खुद कर रहे हैं सारे मामलों की निगरानी। रोज 200 से अधिक लोगों से बातचीत कर फीडबैक लेने के अलावा राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ टेलीफोन पर करते हैं बातचीत। भारत में अब तक कोरोना वायरस के कुल 901 एक्टिव मामले, 27 मरीजों की मौत, 95 लोग संक्रमण से मुक्त। महाराष्ट्र और केरल में कोविड-19 के सबसे अधिक मामले। कोरोना से जंग में आम लोगों और निजी संस्थाओं का योगदान, तमिलनाडु की कंपनी ने कोरोना मरीजों के उपचार के लिए दिए विशेष रोबोट। दुनिया भर में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 30,000 के पार, वहीं कुल संक्रमित लोगों का आंकड़ा भी 7,00,000 के ऊपर पहुंचा। अमेरिका ने सोशल डिस्टेंसिंग की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाई। सबसे बुरी तरह से प्रभावित इटली में मरने वालों की संख्या 10,000 के पार। स्पेन में भी मृतकों के आंकड़ों ने 6,000 को छुआ। अमेरिका में अब मृतक की संख्या 28,000 के करीब। अकेले न्यूयॉर्क में ही मृतकों की संख्या 1,000 से ज्यादा। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, लॉकडाउन पर तरह तरह की अफवाहों के बीच सरकार ने साफ किया है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाए जाने की खबरें पूरी तरह से निराधार हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने कहा कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और हमारे साथ सुधाकर दास इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ेंगे। सुधाकर, लगातार कई हमने मैसेजेस देखे, ऐसे वीडियोस देखे, संदेश देखे जहां पर ये बात की गई थी कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाएगा, लेकिन अब एक बार फिर यहां पे साफ कर दिया है सरकार ने कि ये सभी फेक न्यूज है। खासतौर से सोशल मीडिया में इस तरह की लगातार अफवाह फैलाई जा रही थी, यहाँ तक कि कुछ मीडिया की संस्थानों की तरफ से भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग की गई थी कि इस तरह की कोई योजना है कि एक हफ्ते के लिए या कुछ और दिनों के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। और यही वजह है कि इस तरह से इन खबरों की वजह से थोड़ा पैनिक भी फैला। जो माइग्रेंट वर्कर्स की, लेबरर्स की हमने जो मुद्दा देखा, जो लगातार अपने घरों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, और उसके पीछे ये बहुत बड़ी वजह थी। उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से ये साफ किया गया है, ये स्पष्ट किया गया है कि अभी सरकार की इस तरह की कोई योजना नहीं है। और ये जो सारी खबरें हैं बेहद भ्रामक खबरें हैं। और देखिए, लगातार प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि जो अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है, फेक न्यूज से सतर्क रहने की जरूरत है। इस वक्त जो सरकार के दिशा निर्देश है, गाइडलाइंस है, उसका पालन किया जाए, और ये इस तरह से जो मनमानी खबरें या फेक न्यूज फैलाई जाती है उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। और तमाम लोग हैं, चाहे मीडिया हो या अन्य सामान्य व्यक्ति भी हो, तो एक बार जरूर वेरीफाई करें इस तरह की खबरों को सरकार से, सरकारी अधिकारियों से। और ये जो बड़ी खबर कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से कही गई है, ये एक तरह से जो पूरे रिपोर्ट को बेसलेस करार दिया गया, इन खबरों को भ्रामक करार दिया गया, तो एक बड़ा स्पष्टीकरण और निश्चित तौर पर ये तमाम लोगों तक ये बात पहुंचनी भी चाहिए। बिल्कुल, हम सीधे तौर पर देख रहे हैं कि शुरुआत से ही, करीब हम कह सकते हैं कि जनवरी से ही प्रधानमंत्री सीधे तौर पर कोविड-19 से जुड़ी तमाम तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और सीधे संवाद यहां पर वो जनता से कर रहे हैं। सबसे पहले
पहले उन्होंने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया और उसके बाद सीधे खुद आकर उन्होंने 21 दिन के लॉकडाउन की बात कही। जब हमारे देश का शीर्ष नेतृत्व सीधे तौर पर जनता से बात कर रहा है, उस समय इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए जनता को। बिल्कुल सुधाकर, किस तरह से कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जागरूकता हो, क्योंकि इस तरह की जो फेक न्यूज होती है उसी की वजह से लोगों में दहशत होती है, डर होता है, लोग खाने के सामानों की होर्डिंग करते हैं और कई और चीजें जो होती हैं जो बिल्कुल सरासर गलत है। जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से देश में सामानों की कोई कमी नहीं है, उत्पादन लगातार जारी रहे, इसके लिए भी सरकार लगातार कदम उठा रही है, खास तौर से खाद्य उत्पाद हो या जो जरूरी उत्पाद हो, दवाएं हो, इस तरह के जो फैक्ट्रीज हैं वो खोली गई हैं, उनके वर्कर्स आसानी से आ जा सके, उसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। गुड्स और सर्विसेज जो है, एक तरह से कह सकते हैं ट्रक्स की चाहे बात हो, कार्गो की बात हो, रेलवे से के जरिए सामान पहुंचाने की बात हो, वो तमाम उपाय किए गए हैं, किए जा रहे हैं लगातार। तो इसलिए जमाखोरी की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त, हर परिवार के लिए पर्याप्त सामान मौजूद है जरूरत के हिसाब से। बिल्कुल, तो लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की जो तमाम खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल निराधार हैं और यहाँ पर साफ किया गया है सरकार की तरफ से कि जो 21 दिन की लॉकडाउन की बात प्रधानमंत्री ने कही थी वही सही है। किसी भी तरह की इस लॉकडाउन की खबर को बढ़ाने की खबर पर, वो तमाम खबरें सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, इस पर बिल्कुल भी कतई यकीन न करें। और यहाँ पर हम खबरों में आगे बताएं तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड 19 के अब तक कुल 901 सक्रिय मामले सामने आए हैं, जिनमें से 95 मरीज संक्रमण से मुक्त होकर ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं और जबकि 27 लोगों की मौत हुई है। इन आंकड़ों में एक मरीज ऐसा भी है जो प्रवासी है। स्वास्थ्य मंत्रालय का फोकस अब इस बात पर है कि देश में पूरी तरह से कोविड अस्पताल बने, इसके लिए राज्य सरकारों से जरूरी बातचीत की जा रही है ताकि भविष्य के लिए आइसोलेशन और आईसीयू बेड समेत हर लॉजिस्टिक का इंतजाम किया जा सके। तो इस वक्त 901 के आसपास एक्टिव मामले हैं भारत में। अच्छी बात यह कि 95 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं और कोविड 19 के खिलाफ व्यापक और एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10 ऐसे समूह बनाए हैं जिन्हें विशेष अधिकारी दिए गए हैं। इसके अलावा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इन समूहों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। इन समूहों को योजना तैयार करने और उनके समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया गया है। हर समूह में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकार प्राप्त समूह में से 9 का नेतृत्व सचिव स्तर के अधिकारियों की ओर से किया जाएगा। साथ ही इनमें नीति आयोग के एक सदस्य और सीईओ भी शामिल हैं। ये समूह कैबिनेट सचिव के मार्गदर्शन पर कार्य करेंगे। तो टास्क फोर्स का गठन यहां पर किया गया है सरकार की ओर से और केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी कामगारों का पलायन रोकने के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके तहत कहा गया है कि सभी राज्यों में प्रभावी ढंग से बॉर्डर को सील किया जाए, लॉकडाउन के कारण फंसे जरूरतमंद लोगों और बेघर लोगों के लिए अस्थायी आश्रय, भोजन और आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाए। प्रवासी कामगार जो अपने घर यानी गृह जिले जाने के लिए निकल चुके हैं, उन्हें संबंधित राज्यों के पास के आश्रय स्थलों पर रोका जाए और समुचित जांच के लिए कम से कम 14 दिन तक अलग निगरानी में रखा जाए। तो केंद्र सरकार का राज्य सरकारों को कड़ा निर्देश यहां पर सामने आया है। प्रवासी कामगारों का जो पलायन है उसे रोकना बेहद जरूरी है और इसी के लिए यहां पर केंद्र सरकार की ओर से कड़े कदम उठाते नजर आ रहे हैं, जहां पर दूध के संग्रहण और वितरण की श्रृंखला को लेकर भी लगातार बात की जा रही है कि इसकी आपूर्ति लगातार जारी रहेगी, आप किसी तरह की होर्डिंग ना करें। हाथ धोने संबंधी स्वच्छता उत्पाद, साबुन और अन्य वस्तुओं के परिवहन की अनुमति भी दी गई है, यानी कि पलायन नहीं होगा और लोगों को रोका जाएगा, लेकिन जो तमाम जरूरी वस्तुएं हैं, जो तमाम आपूर्ति की चीजें हैं, उनकी आवाजाही नहीं रोकी जाएगी, उनकी लगातार जो आवाजाही है वो चलती रहेगी। साथ ही यहां पर केंद्र का राज्य सरकारों को ये सख्त निर्देश है कि जो कामगार जो जहां अपने जिलों तक भी पहुंच गए हैं उन्हें भी उसके बाहर ही रखा जाए और उनको 14 दिन की क्वारंटीन व्यवस्था में वहां रखा जाए और
जो पलायन है उसे रोकना बहुत जरूरी है, उन्हें ये बात जागरूक करना बहुत जरूरी है कि लगातार उनका इस तरह से चलना लॉकडाउन में सही नहीं है और सभी राज्यों में बॉर्डर को प्रभावी ढंग से सील किया जाए, जरूरतमंद बेघर लोगों के लिए अस्थाई आश्रय, भोजन, आवश्यक सुविधाएं उन्हें दी जाएं और उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया जाए कि वो जहां हैं उन्हें वही तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, उन्हें वहां खाना दिया जाएगा, उन्हें आश्रय दिया जाएगा। और किस तरह से ग्राउंड जीरो पर इस वक्त स्थिति है ये जानने के लिए सीधे हम यहाँ पर रुक करेंगे हमारे संवाददाताओं का। हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ हैं ऋषि और विशाल। ऋषि से जानना चाहेंगे, ऋषि जो तस्वीरें हमने देखी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जिस तरह से पलायन करती हुई तस्वीरें, वो काफी विचलित की, लेकिन अभी स्थिति काफी बेहतर नजर आ रही है, क्या इस वक्त का अपडेट है? देखिए अजय, जहाँ तक इस समय हम बात करें आनंद विहार पर जो दिल्ली यूपी बॉर्डर है, हमने देखा था कि दो दिन पहले काफ़ी स्थिति यहाँ पर विस्फोटक हो गई थी इस मामले को लेकर के जो तमाम मजदूर और कामगार वर्ग के लोग थे अपने अपने घरों को जाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हो गए थे। आज हाँ अगर हम कहें तो कल से ही स्थिति को नियंत्रण में पूरी तरीके से कर लिया गया और इस समय जबकि हम मौजूद हैं पूरी तरीके से जो सीमाएँ हैं उसको सील कर दिया गया है और अलग अलग जगहों पर यहाँ पर मैं अपने सहयोगी कैमरामैन जगपाल से कहूँगा कि वो यहाँ पर इस्टेब्लिश करें कि किस तरीके से जो जो लॉकडाउन है उसको यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है और जो स्थितियाँ हैं जो बंद की जो लॉकडाउन की वो यहाँ पूरी तरीके से सुनिश्चित की गई हैं और सीमाओं को सील कर दिया गया है और यहाँ पर ये भी बोर्ड लगाए गए हैं कि जो बसेज हैं वो अब बंद है पूरी तरीके से और यहाँ पर जो पुलिस के लोग हैं खासतौर से पुलिस के जवान जिसमें यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस तीनों का एक तरीके से सामंजस्य है क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के आ जाने के बाद स्थिति को और ज़्यादा प्रभावी तरीके से यहाँ पर लागू किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि उन्हीं लोगों को आने जाने की अनुमति है जिन लोगों के पास पास है या जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए उन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं उनको और जो ज़रूरतमंद हैं उनको भी अगर वो पैदल जा रहे हैं तब भी पुलिस चेक कर रही है और पूछ रही है क्या खास वजह है जिसकी वजह से वो घर से निकलें। तो ये जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए कह सकते हैं कि सीमाएं अब पूरी तरीके से सील हैं। जी जय बिल्कुल ऋषि, तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो पलायन कर रहे कामगार हैं उन्हें इस बात को समझाया जाए कि लॉकडाउन की स्थिति है और उनका इस तरह से आगे बढ़ना, उनका मूवमेंट बोलना शुरू करना। हमारे साथ जयपुर से विशाल बैरिस्टो भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से जो सख्त निर्देश इस वक्त दिए हैं केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारें उसे सुनिश्चित कर रही हैं कि पलायन को रोकना है और उन कामगारों के लिए भी तमाम सुविधाएं मुहैया करानी है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, केंद्र सरकार के सख्त निर्देश हैं कि ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो लॉकडाउन को पूरी तरह से मेंटेन करें और जो कामगार हैं उनका पलायन रोके और इसके बाद राजस्थान के तमाम बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और अगर कल का हम कंपैरिजन करें तो कल के मुकाबले आज 10% है। मैंने सुबह देखा कुछ कामगार अभी भी जिनको ये मालूम नहीं था वो अपने घरों से निकल पड़े थे, फिर हमने उनको समझाया कि आगे सारे बॉर्डर सील हैं और आप जहां पर हैं वहीं पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको शेल्टर दिया जाएगा, आपको खाना दिया जाएगा और उनकी ये शिकायत थी कि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उन्होंने शटडाउन कर दिया है, उनके मकान मालिक उनको तंग कर रहे हैं, मकान खाली करने के लिए कह रहे हैं। तो इसके लिए भी अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेडिंग है और पुलिस चेकिंग कर रही है, यहाँ पर वायरलेस पर मैसेज चल रहा है कि अगर कोई इस तरह की शिकायत आती है कि मकान मालिक तंग कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जय, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं ताजा अपडेट के मुताबिक एक 41 वर्षीय पुरुष जो है जो 25 तारीख को जोधपुर में लैंड किया था ईरान से लद्दाख का रहने वाला है वो पॉजिटिव पाया गया है और उसको जोधपुर के एमडीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये इतनी इंपॉर्टेंट खबर इसलिए है क्योंकि उनको इवैक्यूएट करके लाया गया था ईरान से और जब क्वारंटीन में उनको रखा गया तो ये पता लगा लिया गया कि वो पॉजिटिव है। अगर ये ऐसा नहीं होता, क्वारंटीन में नहीं रखा जाता इंडियन आर्मी के पास, तो वो लद्दाख जाके इसको स्प्रेड कर सकते थे। तो यहीं पर उसको चेक किया गया है और एहतियात के तमाम इंतजाम किए गए हैं।
जैसलमेर और जोधपुर दो जगह ऐसे हैं जहां पर मिलिट्री स्टेशन पर ईरान से जो इवैक्यूज आए हैं उनको क्वारंटीन करके रखा जा रहा है और दिन में दो बार उनका मेडिकल चेकअप होता है। और इसी से यह बात सामने आई है क्योंकि कोविड 19 का जो इन्फेक्शन है वो एकदम से सामने नहीं आता है, सिम्टम्स थोड़े दिनों बाद नजर आते हैं और ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि यहीं पर उनको चेक करके जोधपुर के अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। और इसी के साथ ही राजस्थान का जो ताजा पॉजिटिव अपडेट का आंकड़ा है वो 60 पहुंच गया है। जय बिल्कुल, यहाँ पर तो बहुत जरूरी है कि अगर संक्रमण को रोकना है तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है और ये क्वारंटीन बहुत जरूरी है। शुक्रिया विशाल इस जानकारी के लिए जुड़ने के लिए। तो केंद्र सरकार का यहाँ पे सख्त निर्देश सामने आया है तमाम उन कामगारों के लिए जो इस वक्त अपने घर की ओर निकल पड़े हैं। हमारे साथ जुड़ रहे महाराष्ट्र मुंबई से शिशिर, शिशिर आपसे जानना चाहेंगे, मुंबई में हम देख रहे हैं कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, सख्त निर्देश यहाँ पर सरकार की ओर से आ रहे हैं लॉकडाउन को वहां पर सुनिश्चित करने के लिए, क्या कुछ कह रहे हैं आपकी पीछे की तस्वीरें? क्या अगर देखेंगे अब तक की जहां से देखे जाए महाराष्ट्र में कोरोना के तकरीबन 215 आंकड़े हो चुके हैं और इसका सबसे ज्यादा आंकड़े महाराष्ट्र में अगर देखिए तो मुंबई से निकलकर सामने आ रहे हैं, फिर नागपुर अभी है और दूसरे नंबर पर देखा जाए तो पुणे और यूपी ट्रांसफर से भी जो है कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके हमने देखा कई जगह पर लॉकडाउन की परिस्थिति होने के बावजूद भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे में पुलिस ने जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर पुलिस फोर्स भी अप्लाई किया गया। जहां पर मैं हूँ कलवा में, इस वक्त कलवा छुटा हुआ इलाका है यहाँ पर, वहां पर एसआरपीएफ की टुकड़ी वहां पर तैनात की गई थी, लोग घर से बाहर ना निकले और इसीलिए जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस के नजर है। 11 बजे के बाद जो है मास्क करिए लोगों से घर से बाहर ना निकले। हालांकि इस पूरे लॉकडाउन में अगर कहीं ना कहीं ज्यादा असर होता है तो गरीबों पर होता है, जैसे आपने अभी कहा कई सारे लोग स्थलांतर करना चाहते थे। बिल्कुल, हम यहाँ देख रहे हैं कि सरकार की ओर से काफी सख्त निर्देश दिए गए हैं और इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि तमाम जो कामगार हैं जो अपने घर की ओर निकले हैं वो उनकी जो सुविधाएं हैं जो उनकी सुरक्षा है वो भी सुनिश्चित की जाए। और यहाँ पर जिम्मेदारी भी तय की गई है कि अगर लॉकडाउन में किस तरह की कोताही बरती जाती है, ढिलाई बरती जाती है तो तुरंत कार्रवाई होगी। और हम बता दें कि कोरोना वायरस की रोकथाम के दौरान अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाने के कारण दिल्ली सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी परिवहन रेणु शर्मा समेत 4 वरिष्ठ अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से की गई कार्रवाई में 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया है जबकि 2 अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल इन अधिकारियों पर यह आरोप है कि इन्होंने कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए अपने कर्तव्यों में ढिलाई बरती और देश भर में लॉकडाउन दिल्ली में अमल करवाने में असफल रहे। तो बहुत जरूरी है इस वक्त कि आप जो लॉकडाउन जिसका आह्वान प्रधानमंत्री ने किया है 21 दिन का, उसे गंभीरता से ले और उसका पालन करें क्योंकि यही वो चीज है जिसकी वजह से कोरोना के खिलाफ हम जंग लड़ सकते हैं। और यहां पर रेल विभाग ने फैसला किया है कि वो भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम यानी कि IRCTC की रसोई के स्थानों पर जरूरतमंद लोगों को बड़ी संख्या में पेपर प्लेट के साथ तैयार भोजन मुहैया कराने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय ने कहा कि IRCTC ने दिल्ली, पटना और रांची सहित अपने कई स्थानों से 11,000 से अधिक लोगों को, जरूरतमंद लोगों को, प्रवासी मजदूरों को कुछ वृद्धाश्रमों में भोजन उपलब्ध कराया है। IRCTC मांग के आधार पर भी भोजन तैयार और उपलब्ध कराएगा। यहां पर तमाम जो समाज के विभिन्न लोगों के साथ साथ बड़ी संस्थाएं सामने आ रही हैं और जो तमाम लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं जिनके पास इस वक्त काम नहीं है, उन्हें वो भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, बाकी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। रेलवे की ओर से ये बहुत ही अच्छी पहल सामने आई है जहां पर IRCTC अब उन तमाम जरूरतमंद लोगों को खाना देगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक वीडियो जारी किया है जिसके जरिए पीएम बता रहे हैं कि वो लॉकडाउन के दौरान कौन सा योग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट रहने के लिए लोगों को योग करने के लिए प्रेरित भी किया है। लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि पीएम की ऐप पर लगातार जो तमाम देश के लोग हैं वो उनसे साझा कर रहे हैं कि किस तरह से लॉकडाउन के दौरान वो फिट रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हॉबीज को फिर देख रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा था कि वो किस तरह से योग करते हैं, किस तरह से फिट रहते हैं। तो यहां पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो बहुत जल्द अपना योग करते हुए अपने फिटनेस मंत्रा को शेयर करेंगे पूरी देश की जनता के साथ। और उसी को हम यहां देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री ने योग करते हुए अपना वीडियो शेयर किया है और सूर्य नमस्कार वो कर रहे हैं यहाँ पर और लोगों को
फिट रहने के लिए, योग को अपनाने के लिए लगातार वो जागरूक करते आ रहे हैं, लगातार वो प्रेरित करते आ रहे हैं। और यहाँ एक बार फिर हम उसी की वानगी देख रहे हैं कि किस तरह से सूर्य नमस्कार वो कर रहे हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही एक अमूल चूल मंत्र है जो इस वक्त लगातार प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं जिस बात का। और योग का असर हम सभी जानते हैं कि किस तरह से यह हमारे मन मस्तिष्क के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है। और देश के सभी केबल संचालकों को, दूरदर्शन चैनलों को कानूनी रूप से दिखाना अनिवार्य है। अगर आपके क्षेत्र में केबल संचालक डीडी चैनल नहीं दिखा रहा है तो आप इसकी शिकायत ईमेल पे कर सकते हैं। ईमेल का पता है ddpb.inform@gmail.com। यह आवश्यक सूचना है देश भर के सभी केबल ऑपरेटर्स के लिए कि दूरदर्शन चैनल्स को दिखाना अनिवार्य है कानूनी रूप से। तो डरे नहीं, संयम रखें। सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ाना है लेकिन इमोशनल डिस्टेंसिंग को कम करना है। बाहर निकलना मना है और यही वक्त है कि आप खुद में झांकिए, खुद के साथ साथ जरूरतमंदों की भी मदद करें। मुश्किल वक्त है, सख्ती और संवेदनशीलता दोनों ही जरूरी है। छूना नहीं है पर साथ छोड़ना नहीं है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हमसे यूं ही जुड़े रहें। नमस्कार। सवा सौ करोड़ से ज्यादा आबादी का देश तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी, पर एक वीआईपी नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से, अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से, बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। जिसको पीते ही ऐसा लगता है जैसे जन्नत, जिंदगी सब्लाइम, फ्रेश, ऑसम, संतुलित, बहुत मस्त यार। बनाए मनमोहन पैकेट से कैसे पी। अमूल मस्ती बटर मिल्क देसी रिफ्रेशर। हेलो सर, मैं IRDA से बोल रहा हूँ। आपको एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताना था। जी बोलिए। इस पॉलिसी में आपके पैसे 5 साल में डबल हो जाएंगे और आपको बोनस भी मिलेगा। अच्छा तो आप IRDA से बोल रहे हैं। अब सर रुकेंगे, मैं अपने दोस्त को भी कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। हाँ बोल भाई। सर मैं IRDA हैदराबाद से बोल रहा हूँ। लेकिन कॉल ट्रेस करके बता रहा है कि तू लाजपत नगर दिल्ली की किसी दुकान से बोल रहा है। IRDA के नाम पे लोगों को ठगने वाले, लगाऊं तो डंडे वहाँ के। IRDA या उसके अधिकारी किसी भी प्रकार के बीमा या बोनस की घोषणा नहीं करते। इस तरह का कॉल पाने वालों से निवेदन है कि वो तुरंत उस फोन नंबर के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करें। सच और झूठ में जानो फर्क, रहो सतर्क। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तू सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 9111239780446 पर संपर्क करें। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना, पर भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। इस
We bring to you a panel of doctors who will bust all the myths and doubts on COVID-19. In this hour-long program, you can ask questions from our panelists. We have to make sure that all of us stay at home. It is very important that we make contact with other people as minimum as possible. Follow this hand hygiene practice each time you go and wash your hands. And soap and water is the best. You have traveled to outside for 14 days to the affected countries, or you have been in contact with a patient of COVID-19 proven case, then only you may require test. Otherwise, you don't have to. India. Namaste land. Marhaban ilal Hind. Zari India. Salam India. Namaste India. Namaskar Bharata. Mui India. Nahnu Hunuda India. Ma Hindi Hasti. Hindiyani. Salam Hindustan. We are India.